जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूँ? तू कहे तो भोकू, तू कहे तो काटू। वाणि इच्छति यत् अहं भवतः कुक्कुरं भूत्वा अत्र निवसामि, वर कथयति चेत् अहं भुक्कुतु अहं खादतु इति। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एचबी टीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स, एंड आई एम योर होस्ट नेहा। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्पेशल प्रोग्राम मस्ती की पाठशाला, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में होने वाली मस्ती। और इसके लिए आज मैं आ चुकी हूँ पिंक सिटी के कॉस्मोस ज्वेलरी डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि क्या करते हैं यहाँ के बच्चे, सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइन या उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। आइए देखते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि गर्ल्स की सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है, तो जवाब आएगा ज्वेलरी, क्योंकि लड़की कोई भी हो उसे ज्वेलरी का शौक होता ही होता है। तो चलिए इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की इन गर्ल्स से बात करते हैं कि क्या इनका दिमाग सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में ही है या ये कुछ मस्ती वस्ती भी करते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आप लोग यहाँ कर रहे हैं तो सिर्फ डिज़ाइनिंग ही करते हैं या मस्ती वस्ती भी करते हैं? जी नहीं, हम मस्ती भी करते हैं, बट स्टडी के साथ साथ बहुत कम होता है, उसके बाद थोड़ा सा मस्ती करते हैं, ज़्यादा मस्ती नहीं होती। अच्छा, आपके लिए मस्ती का मतलब क्या है? मस्ती का मतलब है हंसी मजाक करना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे की खींचना ऐसे बातचीत में, बस यही है। तो ये चश्मा आपके डिज़ाइनिंग कर करके लग गया या फिर? कंप्यूटर पे वर्क कर रही हूँ इसलिए। नहीं, बट नॉर्मली कैसा होता है कि चश्मा देख के हम ऐसे ही मेंटालिटी बना लेते हैं कि नहीं यार बच्चा बहुत ही पढ़ाकू होगा, तो आप भी वो पढ़ाकू टाइप हैं या क्या? जी नहीं, हम बिल्कुल क्रिएटिव पर्सन है, यहाँ पे सब जो भी है सब क्रिएटिव पर्सन है, जो यहाँ पे डिज़ाइनर बनने आया है तो सारे ऐसे क्रिएट करने वाले हैं, ऐसे कोई स्टडी वाले कोई भी नहीं है यहाँ पर। अभी आपकी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे सब बड़े ही क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, आप और कहाँ क्रिएटिविटी दिखाती हैं अपनी? एक्चुअली मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, तो मैं मैनुअली बहुत अच्छा ड्रॉ करती हूँ, तो मैंने पहले मैनुअल सीखा है, उसके बाद अब मैं ये कर रही हूँ। वैसे आप हैं भी बहुत ब्यूटीफुल, तो ज्वेलरी भी इतनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन करती हैं, क्या लगता है बाकी सब फ्रेंड्स को? तो मैम बताएंगी। अच्छा, जब फ्री टाइम में होते हैं तो कैसे मस्ती करते हो? बस हम सब बहुत गॉसिपिंग करते हैं एक साथ, फिर एक बोलने लगता है तो सारे के सारे गॉसिपिंग करते हैं। वैसे सही भी है, गर्ल्स को गॉसिप्स का सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, और जहाँ इतनी सारी लड़कियाँ एक साथ मिल जाए वहाँ तो हम किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। चलिए मैं दूसरी गर्ल से पूछूँ कि आखिर एक गर्ल्स की गॉसिपिंग होती कैसी है? हम लोग गॉसिप में लेग पुलिंग करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, एंड दैट्स ऑल। ये लेग पुलिंग सिर्फ गर्ल्स की होती है या बॉयज़ की भी होती है? बॉयज़ तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक बॉय है, तो गर्ल्स की होती है। अच्छा, तो हम जो पर्सनल लाइफ को भी या फिर यहाँ इंक्लूड कर लेते होंगे, बॉयज़ तो होते ही हैं पर्सनल लाइफ में तो होंगे? हाँ। अच्छा, वैसे इनके एक्सप्रेशन से हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या छुपाना चाह रही हैं। वेल, चलिए इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं, ये बहुत ही मंदी मंद अकेले मुस्कुरा रही हैं, आप क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं? मुझे सबकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कैसी गॉसिप करते हो? मैं हाँ, जाहिर सी बातें बॉयज़ की तो नहीं होती होगी। अच्छा, आप अपने हस्बैंड की बातें तो करती होंगे? हाँ, बहुत। अच्छा, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिव लाइन है, जहाँ ना बहुत ही क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, तो मस्ती में कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हो? दोनों करता है क्रिएटिविटी, मस्ती अपने उससे। कभी क्लासेस बंक की है? हाँ, स्कूल टाइम में बहुत किया है। अच्छा, आप कैसे मस्ती करते हैं जब आप फ्री टाइम में होते हैं? हम लोग जनरली गॉसिप करते हैं। मतलब गर्ल्स को सिर्फ मस्ती करने का सिर्फ एक ही तरीका आता है कि बातें कर लो, बातें कर लो, और दुनिया जहान की बातें कर लो। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्लासेस बंक करते हैं या नहीं करते? करते हैं। ओके। अच्छा, गर्ल्स का एक सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो ऐसा लगता है कि स्कूल से हम बाहर निकलेंगे तो हमें यूनिफॉर्म से हमारा पीछा छूट जाएगा, कैसा लगता है जब वो ट्वेल्थ के बाद आपका यूनिफॉर्म से पीछा छूटा? सबसे बेस्ट, वी कैन वेयर एनीथिंग। ओके।
ओके, ये एनीथिंग का क्या मतलब था? मतलब जीन्स टॉप नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे आपको परमिशन है कि आप अपने फुल आप जैसा चाहें आप वैसे आ सकती हैं? एग्जैक्टली, हाँ, फुल परमिशन। आप जब स्कूल से बाहर निकली तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ थी कि मैं कॉलेज में जाके इंस्टीट्यूट में जाके क्या करूँगी? कि मैं फ्री हो गई, अब कोई फिक्स रूटीन नहीं है, जो इच्छा हो वैसा करूँ। अच्छा, ये फ्री होने का क्या मतलब था? सुबह जल्दी नहीं उठना, आराम से जो भी इच्छा हो जब जाना है जाओ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है ऐसा। और मेकअप की छूट मिल गई ऐसा लगता है? हाँ। क्योंकि गर्ल्स को एक ये रहता है कि हम स्कूल में मेकअप नहीं कर पाते हैं, दो चोटी बना करके जाओ एंड बहुत ही डिसिप्लिन से जाना पड़ता है, तो जब आपको उससे छुटकारा मिला तो कैसी फीलिंग थी वो? अमेजिंग। वेल, अभी जब मैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आ रही थी तो इसी इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट मुझे मिली एंड उनका सबसे बड़ा दुख जो सामने आया वो ये था कि इन्हें यहाँ छुट्टी नहीं मिलती। वेल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट यही हैं और इन्हें बहुत दुख है इस बात का। अच्छा, अभी आप लिफ्ट में कह रही थी कि आपको छुट्टी नहीं मिलती, यार क्या दुख है, मतलब थोड़ा सा हमारे साथ भी शेयर करो। मैं इसलिए छुट्टी के लिए रोती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक स्कूल में हमेशा कंटिन्यूटी मेरी ही रहती है एंड मैं छुट्टी, मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए होती है हमेशा। जैसे भी आती हूँ तो मुझे काम करने की इच्छा नहीं रहती तो मैं छुट्टी कहती हूँ कि बाद में काम कर लूँगी, ऐसा मन में होता है, बट पहले यहाँ काम ज़रूरी है तो मैं मैम को कहती हूँ आज जल्दी छुट्टी मैम प्लीज़, क्योंकि मैम की हॉलीडे के दिन भी मैम यहाँ बुलवाती है सबको कि काम बस करना है आपका, कंटिन्यूटी रहती है, बस यही है, कुछ नहीं। अच्छा, स्कूल तक यानी कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट रही हैं आपने कभी? हाँ। तो यहाँ आके फिर क्लासेस बंक करते हो? नहीं, यहाँ जल्दी छुट्टी होती है, मतलब लेना होता है तो मैम को कह देती हूँ, समझा देती हूँ किसी भी तरीके से। अच्छा, मतलब ये जो इनका दुख है ये इसको थोड़ा सा ना छुपाने की कोशिश कर रही हैं ताकि मैम से इनकी बाद में ज़्यादा डांट ना पड़े। अच्छा, अच्छा आपके अकॉर्डिंग मस्ती का मतलब क्या है? मस्ती, ऑब्वियसली मस्ती होती है अंदर से, एकदम से जितनी भी भड़ास होती है मेरी तरफ से तो वही निकालती हूँ मैं। घर पे मैं वैसे चुप रहती हूँ बट यहाँ आके जितनी मस्ती करती हूँ तो पूरे दिन शांत हो जाती हूँ अपने आप ही। क्या बात है, वैसे इन्हें देख के लगता नहीं है कि ये कहीं चुप भी बैठती होंगी, बट आप कह रहे हैं तो चलिए मान लेती हूँ। अच्छा, कैसे भड़ास निकालती हैं आप अपनी? जैसे कि घर पे पूरे दिन शांत रहकर आती हूँ, मेरे को घर पे रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे यहाँ रहना पसंद है एंड एक बाहर रहना ज़्यादा पसंद है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, तो घर पे चुप रहती हूँ, उस अकॉर्डिंग मुझे मस्ती चाहिए होती है, तो नहीं मिल पाती तो वो बाहर आके भड़ास निकालती हूँ, कहीं भी स्टार्ट हो जाती हूँ। अच्छा, इन्हें यहाँ रहना भी पसंद है, इन्हें यहाँ से छुट्टी लेना भी पसंद है, एक्चुअली क्या चाहते हैं पता नहीं। अच्छा, स्कूल से जब आप बाहर निकली, उस डिसिप्लिन भरी लाइफ से जब आप बाहर निकली तो सबसे पहला माइंड में क्या ख्याल था? मतलब दोबारा से स्कूल से हम बाहर निकलते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ एम होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो डिसिप्लिन भरी लाइफ है वो ख़त्म होने जा रही है और गर्ल्स को लगता है कि बस अब तो हम कॉलेज में आ गए, अब हमारे मस्ती भरे दिन शुरू। क्या क्या मस्ती की प्लानिंग की थी आपने? मैंने जब स्कूल लाइफ में थी तब मैंने सोचा था अगर कॉलेज लाइफ में आऊँगी तो बहुत बंक मारूँगी और मारी भी ऑब्वियसली, और ग्रेजुएशन होने के बाद वैसे तो ट्वेल्थ में थी तब से ही मुझे ज्वेलरी का शौक था कि ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना ही है, तो बस यही है कि मैंने कॉलेज लाइफ फटाफट फिनिश करी और इस लाइन में आई हूँ, क्योंकि पढ़ाई और ज्वेलरी को एक साथ नहीं लेकर चल सकती मैं, तो फर्स्ट मेरा एम है कि मैं ज्वेलरी में कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो क्लासेस बंक मार के कभी मूवी वूवी जाते हो? मूवी मुझे देखना हॉल में पसंद नहीं है। अच्छा, तो घर में देखते हो? घर पे कभी कभी। फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान। अब भाई सलमान खान की बात हो गई तो सल्लू भाई का एक डायलॉग तो बनता है यार। मैंने एक बार जो कमेंटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आपकी भी नहीं सुनती यार, सलमान अगर इतना शर्मा के बोलेगा तो फिर वो कैसे, कोई और कैसे सुनेगा उसकी, थोड़ी सल्लू स्टाइल में भी तो होना चाहिए। जब मैंने एक बार कमेंटमेंट कर दी तो मैं अपने आपकी भी नहीं सुनती। वेल, गर्ल्स के एक ग्रुप से तो हम बात कर चुके हैं और गर्ल्स का एक दूसरा ही ग्रुप हमारे साथ है इस वक्त, चलिए इनसे पूछते हैं कि ये लोग मस्ती कैसे करते हैं। कैसे करते हैं आप मस्ती?
एक दूसरे की नकल निकालना, जैसे मैम कुछ कह रही हैं कि कोरल वालों को सजेस्ट करती रहती है बार बार, ऐसे करो ऐसे करो, कोई नहीं समझता बार बार तो फिर हंसने लग जाते हैं, मैम बोलती रहती है तुमने नहीं किया ना, अभी तो समझाया, पूरी रामायण कर दिया, तुम अब पूछ रहे हो क्या राम कौन था। अच्छा नकल की आप बात कर रहे हैं, तो मैम की नकल कैसे करते हैं और किस किस की नकल करते हैं आप? एक्चुअली मैं यहाँ पे सुरजीत भैया हैं, उनको मैम कहती रहती है सुरजीत सुरजीत ऐसा करो ऐसा करो, तो सुरजीत भैया नहीं सुनते हैं, वो भूल जाते हैं बार बार, वो बंगाली हैं तो वो बार बार, या तो उनकी बंगाली में कुछ लैंग्वेज निकलती रहती है जो अलग होती है अपने से, तो उसकी नकल वो कुछ बोलते हैं ना ऐसे, मैम किर रहा है, मैम किर रहा है तो फिर उस पर हंसते रहते हैं सब, वो कुछ अलग टोन में बोलते हैं तो सब लोग उनकी हंसती हंसते रहते हैं उनकी आवाज़ पे। अच्छा किसी बॉलीवुड एक्टर की नकल कर सकते हैं? किसकी? अच्छा इन इस मामले में ना एक सबसे जो एक्टर आते हैं वो नाना पाटेकर, उनकी एक्टिंग तो आती होगी? नहीं। ओके अच्छा आप कैसे मस्ती करती हैं? गॉसिपिंग करके। यार गॉसिपिंग के अलावा भी आगे बढ़ो यार, बस एक दूसरे की मिमिक्री करके। अच्छा किसकी करती हैं? तो फिर थोड़ी सी एक्टिंग तो बनती ही है। मैं नहीं करती, और स्टूडेंट्स करते हैं। अच्छा और करते हैं, आप सिर्फ हंसते हैं? ओके अच्छा गर्ल्स में एक क्वालिटी जो होती है, एक वो होती है कि गर्ल्स चाहे कहीं भी गाएं बट गाना गाना गुनगुनाना नहीं छोड़ती, चाहे वो बाथरूम सिंगर ही क्यों ना हो। और इस वक्त भी हमारे साथ एक सिंगर हैं जो हमें सुनाएंगी एक बहुत ही प्यारा सा गाना। तैनू इतना मैं प्यार करां, पल विच सौ बार करा, तू जावे जो मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे सांस आके रुके, मैं तैनू कहना चाहती हूँ तू कभी सोच ना सके। थैंक यू। अच्छा क्या लगता है आपको कि गर्ल्स हमेशा सिर्फ ही ऐसे रोमांटिक और इमोशनल गाने ही गाती हैं या कोई और भी गाने गाती हैं? नहीं एक्चुअली गर्ल्स का सॉफ्ट हार्ट होता है तो इमोशनली टच कुछ ज़्यादा रहती है, मस्ती में मस्ती के टाइम रहती है बट इमोशनल के टाइम कुछ ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट के कारण इमोशनली चली जाती है। अच्छा तो इस इमोशनल चले जाने के पीछे कोई पर्सनल फीलिंग भी होती है या सिर्फ? ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल फीलिंग भी होती है, साथ साथ कुछ सॉफ्ट हार्ट होता है गर्ल्स का स्टार्टिंग से, तो वो इमोशनली रहती है और पर्सनली भी रहती है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। अच्छा मतलब प्रॉब्लम्स के कारण ये ऐसे गाने सुन सुन के लड़कियाँ इमोशनल हुई रहती हैं सारे दिन। चलिए अब तक तो मेरे ख्याल से आपका गाना रेडी हो गया होगा, तो एक गाना तो अब सुनाना बनता ही है। Going on tonight, changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress, everything she's never had, she's showing off. चार लाइनें और थोड़ा सा तो मैं लिरिक्स भी। ओके दो मिनट्स। अच्छा मतलब हर चार लाइन के लिए दो मिनट। ओके अच्छा आप डांस। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए, दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, नग लगाने आई है बंधन, गोली चल गई धाए, नगर बिलाती एक गो में रहती, नगर बिलाती एक गो में रहती, टशन दिखाती फुल, अर लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ज्वेलरी डिज़ाइन नाम से सबको लगता होगा कि यहाँ सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं क्योंकि गर्ल्स को ही ज्वेलरी का शौक़ होता है। भाई गर्ल्स को ज्वेलरी का शौक़ होता है लेकिन डिज़ाइनिंग का शौक़ तो बॉयज़ में भी हो ही सकता है, और इस टाइम एक लड़का हमारे साथ है जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का यहाँ कोर्स कर रहा है। वैसे आपका नाम क्या है? सुरजीत। अच्छा आपका नाम वैसे सुरजीत होगा बट मेरे लिए तो आप सही नाम था आपका मिस्टर भाग्यशाली, आफ्टर इतनी सारी गर्ल्स के बीच में आप काम कर रहे हो तो काम में मन लग जाता है? पहले जब आया था यहाँ तो
बस कुछ तब नहीं लगता था, अजीब सा लग रहा था, तो बाद में सही हो गए और अब तो ठीक है। अच्छा वैसे ये मेरे किशन को थोड़ा सा गलत ले गए हैं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ इतनी सारी लड़कियों के बीच में रह के काम कैसे करते हो यार? काम वैसे ही मेरे को छोटे से ही जब मैं काम करती हूँ तो काम पे ही मन बैठा रहता है, तो कुछ बाहर देखना काम के समय वो मेरा नहीं है, तो वैसे ही काम के टाइम काम ही करती हूँ। बहुत ही सिंसियर बनते हैं। वेल गर्ल्स, मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आपके बीच में एक ही लड़का है लेकिन ये भी बड़े सिंसियर टाइप के बंदे हैं, तो आपके सारे स्कोप्स ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। अच्छा तो इन सारी गर्ल्स के बीच में, क्योंकि गर्ल्स तो सारी हैं तो गॉसिप्स वगैरह चलती रहती होंगी, तो आप क्या करते हैं फ्री टाइम में फिर? वैसे वो लोग जो बातें करते हैं वैसे ही हंसी आती है, फिर मैं वैसे ही काम करती हूँ फिर हंसती रहती हूँ उसके बाद से। अच्छा ऐसी कौन सी बातें करती है लड़कियां कि आपको हंसी आती? कुछ बातें होते हैं जो काम के भी होते हैं, फिर कुछ बातें कोई भूल जाते हैं तो मैम उसको थोड़ा डांटते हैं तो मैम को भी हंसा देता है, ऐसे ही होता है। अच्छा इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ आपके साथ, कोई एक ऐसी लड़की है क्या जो आपकी टांग खींचती हो सबसे ज़्यादा? हाँ एक है। क्या बात है, बड़ा ही शर्माते हुए नाम लिया है। हाँ एक है। अच्छा कौन है? अंकिता। अगेन मिस अंकिता। इन गर्ल्स से ही बात कर लेते हैं, वैसे इतनी देर से मैं एक नाम सुन रही हूँ, अंकिता अंकिता अंकिता, इन सारी गर्ल्स से भी मैंने यही नाम सुना। और अभी जो आपके क्लासमेट हैं सुरजीत, जिन्होंने आपका नाम लिया कि आप उनकी बड़ी टांग खिंचाई करती हैं, कैसे टांग खींचते हो उनकी? बस कुछ ही नहीं, वो अकेला गुमसुम सा बैठा रहता है तो मुझे वो माहौल नहीं पसंद। एक हंसी मजाक के माहौल में ये बंदा सीरियस बैठा रहता है, तो बस ऐसे ही एक लड़का है तो उसको हाय बड़े प्यार से कहते हैं हाय, तो उसी में हंसी छूट ही जाती है सबकी। अच्छा सुरजीत को जिस तरीके से आप हाय करती हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, कभी ऐसा फील होता है कि नहीं यार कोई बॉयज़ भी होने चाहिए? नहीं, अच्छा लगता है गर्ल्स में बेटर। क्या बात है, वरना गर्ल्स को एक दुख रहता है यार कि हमारे यहाँ तो बॉयज है ही नहीं। मिल चुका है तो मुझे चांस मारने की जरूरत ही नहीं है आगे। ओ तेरी। अच्छा मतलब ये फाइनली का अच्छा चलिए, तो जब उनको चांस मारा था तो कैसे चांस मारा था? अब ये सब क्या बोलता हूँ। अच्छा आपके अकॉर्डिंग बॉयज को अगर अप्रोच करना हो, वैसे तो ऐसा होता कम है कि गर्ल्स अप्रोच करें बॉयज को, बट अगर बॉयज को अप्रोच करना, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है प्रपोज के लिए? गर्ल्स को अगर प्रपोज करना है बॉयज़ को, वैसे तो ऐसा मैंने फील नहीं करा था कभी, ऐसे कभी करा नहीं है मैंने, बट अब ये सवाल का आंसर कहाँ से दूँ? वैसे तो जितनी कंफ्यूज ये हैं आंसर देने में उतनी हर लड़की होती है, क्योंकि लड़कियां कभी लड़कों को अप्रोच करती नहीं है, लड़के ही हमेशा करते हैं। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जिससे गर्ल्स सबसे जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं? अगर बॉयज़ को नोटिस करना चाहिए अगर गर्ल्स को क्या पसंद है, अधिकतर उसको चॉकलेट्स वगैरह एंड ज्वेलरीज वगैरह पसंद होती है, बट मेरी अगर मेरी लाइफ में बात करना चाहो तो मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे चॉकलेट्स ही दी थी तो उन्होंने। क्या बात है। अच्छा तो ज्वेलरी का तो वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको शौक वॉक है ज्वेलरी वेलरी पहनने का? नहीं मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है, मुझे रैशेस हो जाते हैं। और कौन कौन से तरीके हैं कि लड़कियां इम्प्रेस हो जाए? लड़कियों को एक तो गुड लुकिंग चाहिए एंड बॉडी होनी जरूरी है सबसे मेन। सल्लू भाई जैसी बॉडी? सल्लू जैसी नहीं होनी, अगर नहीं हो तो भी चलेगा, बट एक बॉडी लैंग्वेज होता है बॉयज़ का, वो परफेक्ट होना चाहिए। भाई अब इनकी तो लाइफ में कोई है तो इन्हें मतलब नहीं है कि यहाँ लड़के हों या नहीं हो, बट आपको कभी फील होता है कि यहाँ इंस्टीट्यूट में कोई लड़के नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग गर्ल्स बॉयज से कम मस्ती नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वी गर्ल्स, और बहुत सारे बॉयज़ आते हैं जाते हैं। दे आर लाइक कि डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है जो आप जहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अपना पेशेंस लेवल दिखाना होता है, बॉयज़ में वो थोड़ा कम होता है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हर जगह बॉयज़ को कंपटीशन देना ज़रूरी नहीं होता है। वी गर्ल्स आर ऑल परफेक्ट
कि हम अपना कुछ कर सकते हैं। हालांकि बॉयज़ होते हैं, हमारे 2.5 घंटे की क्लास के बाद हमारे पास पूरा टाइम होता है उन्हें देने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बाकी बहुत सब कुछ अच्छा होता है बिना बॉयज़ के भी। अच्छा, कभी गर्ल्स जब सारी आउटिंग पे जाते हो तो कभी ऐसा होता है कि लड़के वड़के छेड़े क्या है? कभी करते हो ऐसी हरकतें? नहीं यार, ये तो गलत बात है। अब लड़कियाँ जाए, कोई हैंडसम सा डूड दिख जाए तो क्या क्या रिएक्शन होता है आपका? वाह, देन देन वी वेट फॉर हिम टू कम एंड आस्क, आए वहीं आगे से वही हमें अप्रोच करे, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, उस अगर हैंडसम से डूड को, बहुत ही हैंडसम सा बंदा हमारे सामने, अगर उसे अप्रोच करना हो तो कैसे करोगे, कैसे इम्प्रेस करोगे उसे? कुछ नहीं, एक स्माइल दूंगी बस और चले जाऊंगी। चलिए, वैसे इतना काफ़ी होता है, वो डायलॉग है ना, हंसी तो फंसी, लड़की हंस गई तो मतलब वो फंसी जाती है। चलिए और गर्ल से बात करते हैं कि वो कैसे बनाती हैं अपनी इस पाठशाला को मस्ती की पाठशाला। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का ये गर्ल्स कोर्स कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हें ज्वेलरी का शौक़ तो होगा ही होगा, लेकिन इसी के साथ गर्ल्स की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो होता है उनका मेकअप, उनकी फ़ैशन। आपके अकॉर्डिंग फ़ैशन का मतलब क्या है? फ़ैशन का मतलब है सिंपली कि आप कैसे कंफर्टेबल होते हो। फैशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप लिपस्टिक, आईलाइनर और मेकअप करते हो। इट्स सिंपली बीइंग कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी मेकअप करो, बट यू मस्ट फील कंफर्टेबल। ओके, इनके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल आप जिसमें है वही फ़ैशन है। आपके अकॉर्डिंग फ़ैशन का क्या मतलब है? मेरे अकॉर्डिंग आप जो भी पहनो आप उसमें बेस्ट दिखो अपना, लाइक इवन गर्ल सेक्सी दिख सकती है, ये ज़रूरी है कि वो शॉर्ट ड्रेसेस ही पहने, इवन फुल ड्रेसेस में भी वो अपना अच्छा लुक दे सकती है। अच्छा, मतलब ये तो हनी सिंह का गाना है, एक छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। ऐसा ही नहीं है कि लड़कियां सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस में ही अच्छी लगती हैं, लड़कियां फुल ड्रेसेस में भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, लड़कियों की एक मेंटालिटी रहती है कि हम फैशन कर रहे हैं, हम अच्छे से बन ठन के जा रहे हैं तो लड़के हमारे पीछे हों, ऐसा रहता है कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि यू लुक गुड, क्योंकि सेल्फी का ज़माना है, हर वक्त सेल्फीज, तो दैट वेज। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत ही बन ठन करके बाहर निकली और किसी भी लड़के ने आपको नोटिस ही नहीं किया, तो कभी माइंड में आता है यार क्या बात है, कोई किसी ने देखा ही नहीं मुझे? नहीं, मैंने खुद को नोटिस करा, आई ड्रेस फॉर माई सेल्फ। क्या बात है, ये आंसर सिर्फ मेरे सामने है या वाकई में भी ऐसा ही है? यार, मैं तो कहीं जाती हूँ तैयार होके और जब तक कोई लड़का नोटिस नहीं करे तो मुझे लगता है यार कि तैयार होने का सारा मतलब ही खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कभी कोई लड़कों से कमेंट्स मिले हैं जब आप रेडी होके ढंग से तैयार होके निकलती हैं? चीप कमेंट्स बहुत मिले। ओके, वो तो लड़कों की आदत होती है बस। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग वैसे फैशन का मतलब क्या है? इन विच यू फील कॉन्फिडेंट। ओके, चलिए ये तो हुई फैशन की बात। ज्वेलरी का कितना शौक है आपको? बहुत, आई लव कॉकटेल रिंग्स। तो यानी आपको रिंग्स का ज़्यादा शौक़ है। अच्छा, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा कोर्स पर आ जाती हूँ आपके। रिंग्स में अभी सबसे ज़्यादा क्या फैशन में है? कॉकटेल रिंग्स। ओके, तो आप जब रेडी ड्रेसअप होकर के निकलती हैं तो यानी सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ज्वेलरी पर देती हैं? नहीं, ड्रेस पर। ड्रेस, यार ये तो गलत बात है, आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, ड्रेसअप पे आपका ज़्यादा ध्यान रहता है। चलिए, खैर वैसे गर्ल्स को एक ना बहाना चाहिए होता है। वैसे ये सारी बहुत ही सिंसियर गर्ल्स थी, ये सिर्फ अपने लिए रेडी होती हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए रेडी होती हैं, बट वैसे गर्ल्स के साथ ऐसा अक्सर होता है कि वो बॉयज़ के लिए ज़्यादा रेडी होती हैं। आपको क्या लगता है कि गर्ल्स का रेडी होने के पीछे मोटिव सिर्फ बॉयज़ होते हैं? बिल्कुल नहीं, बस अपने आप को मेरे में अच्छा दिखना चाहिए बस। अच्छा, एक और ब्यूटीफुल सी गर्ल इस वक्त हमारे साथ हैं, आपके अकॉर्डिंग फैशन का क्या मतलब है? फैशन इज़ समथिंग दैट डिफाइंस यू ऑन डे टू डे बेसिस, इट एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द कॉन्फिडेंस इन यू, यू नो, मे बी फ्रॉम अ पेयर ऑफ नाइस टी शर्ट एंड अ जीन्स टू मे बी अ शॉर्ट ड्रेस टू मे बी अ कुर्ता और समथिंग, इट्स जस्ट हाउ यू फील एंड हाउ यू फील कम्फर्टेबल इन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गर्ल्स बॉयज़ के लिए रेडी होती हैं? आई थिंक बॉयज़ गर्ल्स के लिए रेडी होते हैं। क्या बात है, वैसे सही बात है कि बॉयज़ को रेडी होना चाहिए गर्ल्स के लिए, गर्ल्स तो क्योंकि कुछ भी पहने कैसे भी रेडी हों गर्ल्स हमेशा परफेक्ट लगती ही हैं। आज फिर देखो वार, देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार, सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, VIP में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको, इसको पार्टी चाहिए लंबी, उसमें म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंग का क्राउड, कहने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ दी, कहती तो है स्टूडेंट है बड़ा डाउट,
वेल स्टूडेंट से तो हमने बात कर ली, अब यहाँ की टीचर से बात करते हैं कि उन्हें इन स्टूडेंट्स के साथ कैसा लगता है। मैम कैसे मस्ती करती हैं आप इन गर्ल्स के साथ? इनके साथ मैं काफ़ी मस्ती करती हूँ और नहीं करती तो ये लोग मुझे मस्ती करा देते हैं। जैसे टाइम टू टाइम हम आउटिंग करते हैं, जो भी टीचर से सेलिब्रेशन है टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं। क्लास में भी ये लोग अगर मैं सीरियस होती हूँ तो ये खुद स्टार्ट हो जाते हैं और फुल मस्ती इनकी चलती है। तो मैं तो इनके साथ इतनी खुश हूँ, मतलब कि पूरे मेरी इंस्टीट्यूट की लाइफ है ये लोग। एंड अब आप इनसे पूछिए कैसे मस्ती करते हैं ये लोग। वेल मैम आपको देख के लगता नहीं इन गर्ल्स के आगे कि आप इनकी मैम हैं और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसी कभी फीलिंग आपको आती है? कभी 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 आती है, जब कोई आता है और मुझसे पूछता है आप ही कीर्ति मैम हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं ही कीर्ति मैम हूँ। अच्छा और किस तरह की मस्ती करती हैं आप इन गर्ल्स के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी मतलब आप ही की ऑलमोस्ट एज की हैं, सब यंग हैं, तो कैसी मस्ती करती हैं आप? देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री माहौल रखती हूँ ताकि ये लोग इन्जॉय कर सकें, ताकि वो अपने कोर्स के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इन्जॉय कर सकें, क्योंकि यही एक पीरियड है जहाँ पर ये अपनी मेमोरीज बना सकती हैं। और अगर ये यहाँ से निकलें तो प्लस अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी लाइफ को भी इन्जॉय करें। तो मेरे साथ तो यही इनका सपोर्ट रहता है कि मैं इनके साथ हर तरह की मस्ती करूँ, गॉसिप करना है, आउटिंग करना है, जो पार्टी शार्टी करनी है मैं इन सब के साथ करती हूँ। अच्छा एक यहाँ पे सबको दुख था कि यहाँ आप छुट्टियाँ नहीं देते हैं इन स्टूडेंट्स को, ये क्या राज है? वो इनकी मिस्टेक है, क्योंकि ये लोग इतना ऑफ करते हैं तो मुझे इनके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि आज ये ऑफ नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूँगी तो ये मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा इनके लिए स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं इनको ऑफ नहीं देती हूँ। अच्छा मैम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के साथ साथ अभी हमने यहाँ और भी गर्ल्स की क्रिएटिविटी देखी कि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने लगा रखी है, तो और कौन कौन सी क्रिएटिविटी है इन गर्ल्स में? इनमें काफ़ी क्रिएटिविटी है, आप जो भी इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं ये सब इनका ही किया हुआ है। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग प्लस शैतानिया भी इनकी क्रिएटिविटी है, तो काफ़ी क्रिएटिव है ये। अच्छा मतलब शैतानियों में भी ये नई नई क्रिएटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, कभी कौन सी शैतानी दिख रहे हैं ये। मैं जैसे आपको बताती हूँ लास्ट ईयर की बात है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन था, इन लोगों ने बहुत ही इन्होंने मतलब सरप्राइज गिफ्ट था मेरे लिए। ये पूरे ग्रुप के सब स्टूडेंट्स आते एंड एक एक करके क्लास से बाहर निकलते एंड मैम मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो काम चढ़ना है। जिस दिन टीचर्स डे उस दिन मुझे पता चला कि इन्होंने क्या इनकी प्लानिंग चल रही थी, क्लो क्यों बाहर निकल रहे थे, इन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट किया। पूरे मॉल के नीचे बैठ बैठ के इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट तैयार किए एंड जो आप ये देख रहे हैं ये इनका ही तैयार किया हुआ है पूरा जो है। तो काफ़ी क्रिएटिव हैं ये लोग, शैतानी के साथ साथ क्रिएटिव बहुत हैं। फ्रेंड्स इन गर्ल्स से बात करके हमें ये तो पता चल गया कि ये लोग यहाँ सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइन ही नहीं बल्कि मस्ती भी करती हैं, और गर्ल्स तो चाहे कहीं भी हो मस्ती का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं। वेल इसी के साथ अभी मैं आप सभी लोगों से लूँगी इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नई मस्ती की पाठशाला के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूँ, तू कहे तो भोकू, तू कहे तो काटू। वाली इच्छती है तो हम भोदा कुकुर भूत आत्र निरुषामी बार कथिये दीजिए तो हम भुक्कु तू हम खाद तू इतनी।